हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम देखने वाले हैं डीके चैन इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है ना, क्योंकि आपके काम की चीज़ है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। कोई भी रेडियो एक्टिव एटम या कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कह लीजिए, है ना, उसमें से क्या होता है, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल या रेज जो है, अल्फा बीटा तो पार्टिकल है ही, गामा रेज होता है, ये निकलते रहता है। और जब तक निकलते रहता है तब तक कि वो कोई स्टेबल न्यूक्लियाई में चेंज ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से डिके होते रहता है, ठीक है, इसको डिके कहते हैं, टूटना। कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटेगा, है ना। बड़ा न्यूक्लियाई है, मॉलिक्यूल नहीं, न्यूक्लियाई, जो छोटे न्यूक्लियाई में टूटेगा, और जब भी टूटेगा तब क्या निकलेगा, उसमें से अल्फा पार्टिकल, बीटा या गामा रेज निकलेगा, ठीक है। तो पहला जो हमारा पेरेंट जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होगा, उससे बनने वाला जो दूसरा न्यूक्लियाई होगा उसको हम क्या कहेंगे, डॉटर न्यूक्लियाई। वो भी क्या करेगा, अगर रेडियो एक्टिव है तब वो भी फर्दर क्या करेगा, टूटेगा, ठीक है। डॉटर न्यूक्लियाई क्या करेगा, फर्दर न्यू रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई में टूटेगा, चेंज होगा, उसमें से भी रे निकलेगी। ये प्रोसेस अब तब तक चलते रहेगा, डॉटर से फिर ग्रैंड डॉटर, है ना, इस तरह से जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आती रहती है ना, इस तरह से ये चलते रहता है। तो इस प्रकार एक चेन का या एक सीरीज का निर्माण हो जाता है, जिसको डीके चेन कहा जाता है, या इसके नाम के आगे रेडियो एक्टिव भी जोड़ सकते हो, रेडियो एक्टिव डीके चेन कह सकते हो, ठीक है। तो जनरली डीके तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट वहीं होता है ना, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसे ही एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, रेडियो एक्टिव कैस्केड भी कहा जाता है, ठीक है। अब कौन कौन सा टाइप का डीके होता है, देखो, अल्फा डीके जो होगा, अल्फा पार्टिकल अगर कहीं किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से निकल रहा है, तो अल्फा पार्टिकल बराबर क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस, है ना। हीलियम में क्या होता है, हीलियम में हम जानते हैं कि वहाँ पे दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूक्लियस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो इसलिए हम यहाँ उसको कट कर देते हैं। अब इसकी स्थिति कैसी हो गई, दो प्रोटॉन है मतलब एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा, और दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन दोनों का मास अगर हम एक का सिंगल सिंगल का 1 1 मान के चलें, तो यह यहाँ दोनों को जोड़ने से क्या आएगा, मास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये जो हीलियम यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे क्या है, ये हीलियम का न्यूक्लियस है, समझिए, ठीक है। तो ये अल्फा पार्टिकल है, ये हीलियम का न्यूक्लियस क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब बीटा डीके क्या होता है, जब न्यूक्लियस का कोई न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होगा, एक तो प्रोटॉन में, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होगा, मास भी 1 होगा, ठीक है। और दूसरा जो कन्वर्ट होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, इस न्यूट्रॉन से निकल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन है, ये बाहरी सेल वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मास क्या होता है, 0 होता है, लेकिन चार्ज इसमें क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। आप ये नेगेटिव को यहाँ पे, यहाँ नीचे में भी दिखा सकते हो आप, ठीक है। और एक यहाँ पे क्या निकलता है, न्यूट्रिनो, ये भी एक तरह का डीके का ही भाग है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम क्या कहते हैं, बीटा पार्टिकल के तरीके से जानते हैं, ठीक है। एक और होता है गामा डीके, इसमें कोई चार्ज नहीं होता और ना ही कोई मास होता है, ठीक है, कोई चार्ज और मास नहीं होता। ये एक तरह का शॉर्ट वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, जिसकी स्पीड क्या होगी, लाइट के स्पीड के बराबर में होती है, ठीक है। तो इतना सारा चीज आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, वर्ड में क्लियर है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। और भी होता है, एंटी न्यूट्रोनो होता है, फिर पोजिट्रॉन एमिशन भी होता है, चाहो तो आप यहाँ बता सकते हो, आपको गूगल में मिल जाएगा, ठीक है, आप सर्च कर लेना एंटी न्यूट्रोनो क्या है और पोजिट्रॉन इत्यादि क्या है, बहुत सारे पार्टिकल हैं। यहाँ पे मैं आपको एक सीरीज बताने वाला हूँ, जैसे यूरेनियम 238 की बात करें,
तो समझते हुए चलते हैं यहाँ पे। यूरेनियम 238 जब टूटता है, ये वाला खाना किसको दिखाता है? 238 को दिखाता है। इधर चार चार के गैप में ये नंबर लगा हुआ है, ठीक है। ये डब्बा क्या दिखा रहा है? 238 को। उसके नीचे का डब्बा क्या दिखा रहा है? 234 को। उसके नीचे का डब्बा क्या दिखा रहा है? ये पूरा डब्बा 230 को दिखा रहा है, ठीक है। इसी तरह से 226 को दिखा रहा है। तो यहाँ पे मास कैसे कैसे चेंज होता है वो देखते जाओ, ठीक है। यहां से एक अल्फा प्रोटोन, अल्फा पार्टिकल निकला। यहां से क्या निकला? अल्फा निकला। अल्फा पार्टिकल निकलेगा मतलब उसमें मास में कितना कम हो जाएगा? चार कमी हो जाएगा, है ना। तो 38 से कहाँ पहुंच गया ये? 38 से 34 में पहुंच गया। और इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? दो कमी होगा। एटॉमिक नंबर कितना होता है? अल्फा पार्टिकल में दो का एटॉमिक नंबर कम होता है, मास क्या होता है? चार की कमी होती है। जितना यहाँ पे ग्रीन ग्रीन टाइप का दिख रहा है ना, जो एक डब्बे से दूसरे डब्बे में यहाँ कूदा हुआ है, उसमें चार चार का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, है ना जी। चार चार का डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सीरीज बन गया। यूरेनियम 238 टूटा किसमें? थोरियम 234 में। थोरियम 234 के बाद यहाँ पे एक रेड लाइन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए दो रेड लाइन है, ये आपका बीटा डिके को दिखाता है। बीटा डिके जब होगा क्या होगा? बीटा डिके जब होगा तब क्या होगा? आपको पता है कि एक न्यूट्रॉन क्या बनता है? एक प्रोटॉन और बीटा पार्टिकल में टूटता है, ठीक है। तो यहाँ एक प्रोटॉन की बढ़ोतरी हो जाती है, मतलब एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाता है। न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर को नहीं दिखा रहा था, लेकिन प्रोटॉन अब क्या दिखाएगा? एटॉमिक नंबर को दिखाएगा। एक एक कक्ष जो है, ये वाला कक्ष और ये वाला कक्ष, यहाँ पे आपका एक एटॉमिक नंबर बढ़ गया। ये वाला कक्ष और ये वाला कक्ष, यहाँ पे एक एटॉमिक नंबर बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा पार्टिकल का डिके दिखा रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है जी। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है कि जैसे ये जो रेड लाइन है यहाँ का, ये क्या दिखा रहा है? बीटा पार्टिकल एमिशन को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये बन गया आपका यूरेनियम 234। यूरेनियम 234 फिर से क्या बनेगा? थोरियम 230। मतलब इस वाले खाने से इस वाले खाने में जब भी कूदेगा तब उसके मास में चार की कमी आएगी, और इस वाले खाने से अगर इधर आता है तो वो क्या हो जाएगा? उसमें एक बीटा पार्टिकल निकलेगा, प्रोटॉन कन्वर्ट होगा किसमें? न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा किसमें? प्रोटॉन में, और एक बीटा पार्टिकल निकालेगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से थोरियम, फिर रेनियम, फिर RN, फिर PO, पोलोनियम, ठीक है। फिर उसके बाद में लेड बन रहा है। लेड के बाद यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है? बीटा पार्टिकल का डीके है ना यहाँ पे दिख रहा है। रेड लाइन क्या दिखा रहा है? बीटा पार्टिकल डीके। और ये जो इस तरह का अल्फा पार्टिकल डीके, ये दिखा रहा है। मैं आपको बता दिया हूँ कि इसका मास कितना कितना होता है, तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सीरीज बन जाती है पूरा, और फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है, फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे लास्ट में देख रहे हो, ये लेड है। लेड 206 है ना। लगभग लगभग नेचुरली जितने भी सीरीज पाए जाते हैं, या डीके सीरीज पाई जाएगी, डीके चेन पाई जाएगी, उसमें लेड ही बनता है, पर उसका मास नंबर अलग अलग होगा, ठीक है। लेड का मास नंबर क्या होगा वहां पे? अलग अलग होगा। एक्टिनियम सीरीज ले लियो, थोरियम सीरीज ले लियो, है ना, या यूरेनियम सीरीज ले लो, तो चाहे जिसको चाहे वो बता सकते हो आप। एक और ग्राफ है हमारे पास, उसको भी आप कंपेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इधर दिखा रहा है आपको साइड में, है ना, क्योंकि इसको मैं बड़ा कर दिया था तो ये दिख नहीं रहा था। इधर एटॉमिक नंबर इंक्रीजनेस को दिखा रहा है, और इधर में क्या है? मास नंबर इंक्रीजनेस को दिखा रहा है। और प्रत्येक खाना में चार चार का डिफरेंस है, और यहाँ पे क्या है? एक एक का डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि बीटा पार्टिकल एमिशन से एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। और एक ये सीरीज है हमारे पास, यूरेनियम सीरीज, एक्टिनियम सीरीज और थोरियम सीरीज। सब में देखो एक चीज कॉमन दिखेगा आपको, ये लेड फाइनली बना हुआ, ये जो लेड है और ये लेड है, ठीक है। ये जो है आपका, यहाँ पे क्लियर पिक्चर नहीं आ रहा है ना, पर ये क्या बन रहा है? लेड बन रहा है। और इसका नाम जो है यहाँ साइड में लिखा हुआ, यूरेनियम प्रोटेक्टियम, प्रोटेक्टियम वाला जो
स्थिति होगा, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट आएंगे वो प्रोटेक्टियम के आएंगे, थोरियम वाला यहाँ पे आएगा, एक्टिनियम वाला यहाँ पे आएगा, ठीक है, इसमें एक्टिनियम नहीं बनता तो यहाँ नहीं दिखाया है। उसके बाद में रेडियम जो है यहाँ तीनों में बन रहा है, उसके बाद में फ्रांसियम केवल यहाँ बन रहा है, उसके बाद में आर एन आपका रेडॉन है ना, एस्टील एस्टेटीन है, ये एटी जो दिखा रहा है वो क्या है, एस्टेटीन है, उसके बाद में पोलोनियम बिस्मथ, उसके बाद में लेड, और उसके लास्ट में आपका थेलियम है, और एक यूरेनियम सीरीज में क्या बनता है, एचजी भी बनता है, जो बीटा पार्टिकल एमिशन करके क्या बनाता है, थेलियम बनाता है, थेलियम से फिर बीटा पार्टिकल डिके होके लेड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है कंप्लीट आपका सीरीज हो गया, इसी को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव डीके चेन, ठीक है। तो आप एक एग्जांपल भी दे सकते हैं, कम से कम एक एग्जांपल तो आप दे के ही बताओ, जैसे ये वाला जो आपका बढ़िया ग्राफिक बताया हुआ है ग्राफ के हिसाब से, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा बकर बकर करने से भी कोई फायदा नहीं है ना, जिसको समझना होगा समझ गए होंगे, बाकी जिसको समझ में नहीं आया तो वो थोड़ा सा अपना आईक्यू लेवल को बढ़ाएं थोड़ा, है ना। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।